हेलो गाइस, वेलकम बैक। टीवी की मोस्ट फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर लाने वाली है 2024 में 4 नए शोज़। कौन से हैं वो नए शोज़ और क्या हैं उन शोज़ की डिटेल्स आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में। अगर उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल एंटरटेनमेंट अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल एंटरटेनमेंट अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ड्रामा सीरियल्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। अगर हम बात करें एकता कपूर के 2024 में आने वाले नए शोज़ के बारे में तो उस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर है कलर्स टीवी का नया शो, जिसमें मेल लीड के तौर पर नज़र आने वाले हैं अदनान खान, जो रिसेंटली कथा अनकही ड्रामा सीरियल में हमें नज़र आ चुके हैं। इसके अलावा फीमेल लीड के तौर पर नज़र आएंगी मलिका सिंह। और आपको बता दें, इस शो की जो कन्फर्मेशन है वो प्रोड्यूसर के थ्रू कर दी गई है और ये शो कलर्स टीवी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर है एकता कपूर का नया शो, जिसमें मेल लीड्स के तौर पर नज़र आने वाले हैं हमें भरत अहलावत और फीमेल लीड के तौर पर नज़र आने वाली हैं स्वाति शर्मा। आपको बता दें, ये दोनों स्टार्स से पहले भी ये है चाहते ड्रामा सीरियल में इकट्ठे नज़र आ चुके हैं और दोनों स्टार्स एक बार फिर से इस शो में नज़र आने वाले, लेकिन इस शो में दोनों मेन लीड्स के तौर पर हमें नज़र आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो ये शो स्टार प्लस पर आ सकता है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली। नंबर 3 पर है एकता कपूर का एक और नया शो, कलर्स टीवी पर आएगा नागिन सीज़न 7। नागिन सीज़न 7 भी 2024 में एकता कपूर लाने वाली है कलर्स टीवी पर। आपको बता दें, सीज़न 6 के ऑफ एयर के बाद ही एकता कपूर ने सीज़न 7 की खुशखबरी सुना दी थी कि वो बहुत जल्द इस शो का सीज़न 7 लाएंगी, लेकिन उसके बाद शो का जो सीज़न 7 है उसको डिले कर दिया गया और अभी शो का सीज़न 7 देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन सोर्सेज की माने तो मार्च तक ये शो हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिल जाएगा। चौथे नए शो की बात करें तो वो है एकता कपूर का शो लॉकअप का सीज़न 2। इस शो का फर्स्ट सीज़न सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर और ALT बालाजी पर टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन अब इस शो का जो सेकंड सीज़न है वो एकता कपूर टीवी पर भी लाने वाली हैं और ZTV पर इसका सेकंड सीज़न हमें देखने को मिलेगा। एकता कपूर के इन 4 शोज़ में से आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है और ऐसी और अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।